स्टूडेंट्स इंटर पार्ट टू मैथमेटिक्स का हमारे पास 2019 का पेपर है और इसमें से हम जो है वो आज सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। किसी भी एमसीक्यू को अटेम्प्ट करते हुए हमारा बोर्ड का जो स्टाइल है उसमें हमारे पास जो है वो 4 पॉसिबल ऑप्शंस दी होती हैं, तो उनमें से हमें करेक्ट जो है वो ऑप्शन चूज करनी होती है या मोस्ट बेटर जो ऑप्शन होती है उस ऑप्शन को हम चूज़ करते हैं। तो उसकी वर्डिंग लिखी होती है कि आपने एक जो है वो ऑप्शन को चूज़ करना है, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस को टिक करेंगे या फिल करेंगे सर्कल्स को तो 0 मार्क मिलेगा, और अगर आप उसको क्रॉस करके फिर दोबारा से फिल करते हैं तो उसका भी कोई क्रेडिट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। लिहाजा सर्कल को फिल करने से पहले आपने एमसीक्यू को एक दफ़ा ज़रूर सॉल्व कर लेना है ताकि आपको आइडिया हो जाए, और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें जो ट्रिक्स होते हैं वो हम आपके साथ जो है वो डिस्कस कर देंगे। पहला हमारे पास जो एमसीक्यू है 2019 ग्रुप 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में, उसने हमें एक डेरिवेटिव दिया हुआ है, कहता है कि डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास है -2/x³, तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दो एट x = -1। सो ये सिंपल सा एमसीक्यू है, हमें जस्ट एक्स की जगह -1 पुट करना है और हमें ऑप्शंस में से देखना है आंसर किसके साथ मैच करता है। तो हम लिखेंगे -2/-1/3। सो -1 की पावर जब आप 3 लेंगे यानी ऑड नंबर लेंगे तो ऑब्वियस है कि वो आपके पास जो है वो -1 ही आ जाएगा, यानी -1 की पावर ऑड, ये आप याद रख लें, आंसर हमेशा -1 ही होता है। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास जो है वो आंसर 2 आ जाएगा, लिहाजा आपकी जो है वो बेस्ट ऑप्शन डी बन जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपने सॉल्व कर लिया, इतना सा टाइम ही आपको लगेगा। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा हुआ है द डिफरेंशियल ऑफ वाई इज डिनोटेड बाय, तो जस्ट ये हमारे पास एक नोटेशन हमने ढूंढनी है। तो वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसका डिफरेंशियल जो है वो लाजमी बात है डी वाई से डिनोट होता है, तो डी वाई ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अगर चारों ऑप्शंस को एक दफ़ा देखना हो तो डी वाई ओवर डी एक्स ये तो डेरिवेटिव कहलाता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती। डी एक्स ये तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स है, लिहाजा ये भी हमारी ऑप्शन नहीं हो सकती, और लास्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास डिफरेंशियल ऑफ वाई प्राइम है। वाई प्राइम मीन्स के वाई का आपने डेरिवेटिव लिया है और उसका दोबारा डिफरेंशियल लिया हुआ है, तो ये भी हमारे पास वाई का डिफरेंशियल नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास बी ही है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, और ऐसे ऐसे आसान क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमेशा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से डिटरमिन होता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें आपने ढूंढना है। तो देखिए ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है आपके पास, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव नहीं है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि इसमें सेकंड डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो सेकंड डेरिवेटिव जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो उसी का ऑर्डर जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। तो फोर्थ तो ऑप्शन हो नहीं सकती क्योंकि फोर्थ डेरिवेटिव नहीं है यहाँ पे, फिफ्थ भी नहीं है, डेरिवेटिव्स नेगेटिव भी यहाँ पे नहीं हो सकते, सो एक ही ऑप्शन जो बचती है वो हमारे पास 2 है, यानी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन दैट इक्वेशन। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसमें कहता है कि फंक्शन f(x) आपके पास है cos(x), तो आप क्या करो जी, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड कर दो पाई पे। तो पहले तो हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। जी आपने कैलकुलेट कर लिया होगा कि cos(x) का डेरिवेटिव, जी जी बिल्कुल सही, -sin(x) जो है वो इसका डेरिवेटिव बनता है, बिल्कुल सही। अब आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है पाई के ऊपर, तो एक्स की जगह आप रिप्लेस कर दें पाई, तो -sin(π). अब sin(π) की वैल्यू जी 0 होती है, तो आपके पास जो ऑप्शन बनेगी वो 0 है, तो बीटा जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन बनेगी। सिंपल सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, आपने पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया और फिर उसमें एक्स की जगह आपने जो है वो वैल्यू पुट कर दी, तो आपका क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात कि आपने पहले एमसीक्यू को सॉल्व करना है, जो सबसे कम हक होता है एमसीक्यू का वो ये होता है कि उसको
पेंसिल पेपर के ऊपर साल्व लाजमी किया जाए, और उसके लिए आप रफ पे जो भी आपके पास रफ शीट अवेलेबल हो उसको यूज़ करें, उसको लाजमी साल्व करें और फिर उसको जो है वो फिल करें। जी क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, डी ओवर डी एक्स ऑफ 5 टाइम्स एफ ऑफ एक्स। तो ये हमने बताना है कि इसका आंसर क्या होता है। स्टूडेंट्स हमारे पास प्रॉपर्टी है कि जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है किसी फंक्शन से तो वो कांस्टेंट तो हम उसी तरह से बाहर लिख देते हैं और डेरिवेटिव हम फंक्शन का कैलकुलेट कर लेते हैं। कांस्टेंट हमने बाहर लिखा और डेरिवेटिव हमने फंक्शन का ले लिया, और फंक्शन का डेरिवेटिव जो है उसको रिप्रेजेंट करने का एक ये मेथड भी है कि आप उसको प्राइम से लिख देते हैं। तो ये आपके पास जो है वो ऑप्शन मौजूद है, अल्फा में ही लिखा हुआ है। स्टूडेंट यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, ये 4 क्वेश्चन हैं और इनमें से अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, नोटेशंस हैं कि कौन सा मैथमेटिशियन जो है वो कौन सी नोटेशन यूज़ करता रहा। फॉर एग्जांपल डी वाई ओवर डी एक्स कौन सा मैथमेटिशियन यूज़ करता रहा जी, प्लीज़ लेबनीज। एग्जैक्टली ओके, एफ प्राइम ऑफ एक्स लग्रांज, कैपिटल डी एफ ओफ एक्स ये कॉशी यूज करता था जी, ग्रेट मैथमेटिशियन, और लास्ट में एफ सर्कल एक्स ये आपके पास जो है वो न्यूटन का स्टाइल था डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का। तो ये चारों जो एमसीक्यू हैं इनमें से भी बाज़ूकात एक एमसीक्यू जो है वो पूछ लिया जाता है, और ये कई दफ़ा पेपर में पूछा हुआ है, लेबनीज, लग्रांज, कॉशी और उसके साथ उसके बाद जो है ये न्यूटन का वे था लिखने का। तो इनको भी ऐड कर लें, इस एमसीक्यू 5 में आपकी ऑप्शन जो है वो ए है। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास, उसने कहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो आप बताइए, ए ज़ीरो नहीं है इसमें, गुड, ए ज़ीरो नहीं है, तो आप बताइए ये कौन सा फंक्शन है, यानी अल्फा ऑप्शन में है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो कोई बच्चा भी जिसने मैथमेटिक्स नहीं भी पढ़ा वो भी इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो नहीं कहेगा, लिहाजा ये ऑप्शन बिल्कुल अच्छी नहीं बनी हुई जी। बीटा ऑप्शन को भी फिलहाल हम डिस्कस नहीं करते, चार्ली ऑप्शन पे आते हैं, क्यूबिक फंक्शन। स्टूडेंट्स अगर ये क्यूबिक फंक्शन होता तो इसमें लाजमी डिग्री 3 होनी थी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस अज्यूम कर लें कि डी, और इसमें ए ज़ीरो नहीं होना था अगर ये क्यूबिक होता। तो चूंकि इसमें डिग्री 3 भी नहीं है तो लिहाजा ये वाली ऑप्शन भी ठीक नहीं है। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसने अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन होना था तो फिर इसको होना चाहिए था जस्ट लाइक दिस वन, यानी वेरिएबल का स्क्वायर होना चाहिए था, और हमारे पास ये वेरिएबल का स्क्वायर भी नहीं है, यानी a इंटू एक्स प्लस बी है, x की पावर चूंकि 1 है इस वजह से इसको बोलते हैं कि ये लीनियर फंक्शन होगा। तो चूंकि ये ऑप्शन भी नहीं रही तो एक ही ऑप्शन बचती है जो कि बीटा है, और यही राइट ऑप्शन बनेगी। इसमें बाकी ऑप्शंस तो ठीक हैं, अल्फा ऑप्शन बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी हुई थी, इसकी जगह कोई और ऑप्शन होती तो जिससे बच्चा कंफ्यूज होता तो ज़्यादा अच्छा था। बहरहाल आप देख रहे हैं कि बहुत आसान एमसीक्यू होते हैं, थोड़ी सी तवज्जो से आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास कि वाई इज इक्वल टू ई रेस पर 2x और आपको y2 कैलकुलेट करना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेना स्टूडेंट्स बहुत आसान होता है, आप डी वाई और डी एक्स जल्दी जल्दी से लिख देंगे, ये इसी तरह से लिखते हैं और साथ में एक्सपोनेंट यानी पावर का डेरिवेटिव लिख देते हैं। एक दफ़ा और आप डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा जिसको आप y2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसी तरह रहेगा, 2 एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e रेस पर 2x और 4 जो है कॉन्स्टेंट है शुरू में लिखते हैं। तो देखते हैं ऐसी ऑप्शन कौन सी है, अल्फा तो नहीं है, बीटा भी नहीं है, तो चार्ली जो है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। इस एमसीक्यू को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता था एक और तरीके से अगर इसकी ऑप्शंस दी जाती, मिसाल के तौर पर अल्फा जो ऑप्शन है
वो ई रेस पर टू एक्स की जगह वाई दे दी जाती। बीटा ऑप्शन जो है वो टू टाइम्स वाई दे दी जाती। चार्ली ऑप्शन जो है वो फोर टाइम्स वाई दे दी जाती। और जो डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास वो अगर 16 टाइम्स वाई दे दी जाती तो ये एमसीक्यू और थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाता। तो अभी फ़िलहाल इस मेथड से अगर हम देखते हैं तो चार्ली ऑप्शन है, यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो चार्ली ऑप्शन ही होता। इस एमसीक्यू को और ज़्यादा इफेक्टिव या वर्सटाइल बनाने के लिए वो आपसे कह सकता था वाई टेंथ फाइंड आउट करें, टेंथ डेरिवेटिव फाइंड करें। तो उसके लिए बहुत आसान मेथड है। इस वाले क्वेश्चन में आपने जस्ट ये लिखना था y tan इज इक्वल टू e रेस पर 2x, तो उसी तरह लिख देना था। जितनी दफ़ा आपने डेरिवेटिव लिए हैं उतनी दफ़ा एक 2 साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 रेस पर 10 भी मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये आंसर हो जाता। यानी आप इसको 2 रेस पर 10 और y भी लिख सकते थे। तो MCQ इस तरह से भी ये पूछा जा सकता था जी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हमने इंटीग्रेट करना है 0 से पाई बाय 2 कॉस ऑफ एक्स और डीएक्स को। तो एक तो मेथड ये है कि आप इसकी इंटीग्रेशन लिख लें साइन एक्स, फिर लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अपर लिमिट पहले पुट कर दें तो साइन पाई बाय 2 माइनस साइन ऑफ 0, साइन पाई बाय 2 1 होता है और ये 0 होता है, तो आंसर 1 आ गया। इस हिसाब से आपके पास जो है वो डेल्टा राइट ऑप्शन बन गए, एमसीक्यू सॉल्व हो गया। इसी तरह इसके पैरेलल एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है 0 से पाई बाय 2 साइन ऑफ एक्स और डीएक्स, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर भी 1 ही आएगा। आप एक बात को याद रख लें कि साइन फंक्शन हो या कॉस फंक्शन हो वो हर क्वाड्रेंट में यूनिट एरिया कवर करता है। यानी साइन एक्स का ग्राफ जो भी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया कवर होगा वो यूनिट होगा, यानी 1 होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन यही थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाता और पूछा जाता एरिया फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन ऑफ एक्स लिख दिया जाता, तो अब आपने ढूंढना था कि इसकी बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो आप देखें माइनस पाई बाय 2 यहाँ होता है और पाई बाय 2 यहाँ होता है। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक मूव करते हुए दो क्वाड्रेंट मूव किए आपने, तो इसका आंसर डायरेक्टली आप 2 लिख दें। ये टेक्निक याद रहे, सिर्फ एमसीक्यू के लिए यूज़ करें। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना ए रेस पर एक्स, ये बोर्ड में रिपीटेडली पूछा जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बट बेस इज अदर देन ई, ये रिपीटेडली बोर्ड में किसी न किसी फॉर्म में लाजमी पूछा जाता है। तो इसको आप एक तो तरीका ये है कि आप इसको याद रख लें। इसका आंसर जो है ये डेरिवेटिव में भी पूछा जा सकता है और इंटीग्रेशन में भी। फिलहाल ये इंटीग्रेशन में पूछा हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो एक आप फार्मूले की फॉर्म में याद रख लें। ये एक्सपोनेंशियल इसी तरह लिखते हैं, अगर बेस अदर देन ई हो तो फिर उसके लॉग से आपको डिवाइड करना होता है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर यही एमसीक्यू होता और आपके पास लिखा होता 5x और फिर dx। अब आपने इस एमसीक्यू को अटेम्प्ट कैसे करना था, ए रेस पर 5x इसी तरह डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a और फिर इसका जो डेरिवेटिव जो कि एक कॉन्स्टेंट नंबर बनता है उससे भी डिवाइड करना था और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने लिखना था। तो ये इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा चेंज किया, तो इसमें ऑप्शन जो है वो बी बन जाएगी। इस वाले एमसीक्यू के लिए बीटा राइट ऑप्शन बन जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स ये आपके पास एक और क्वेश्चन है लिमिट से रिलेटेड, तो ये है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये लिखा हुआ है 1 + 1/n रेस पर एन बाई 2। तो जब कभी आपके पास लिमिट का ऐसा क्वेश्चन हो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n और फिर यहाँ पे कोई नंबर हो, तो इसका एक तरीका ये होता है अटेम्प्ट करने का, इसका आंसर ई की फॉर्म में होता है। तो आप ई की पावर लिखें और उसकी पावर में ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर मल्टीप्लाई कर दें, ई रेस पावर लिखें और उसमें ये नंबर मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये कैंसिल और होके कॉन्स्टेंट नंबर आंसर आता है तो वही उसका आंसर है। अगर किसी फॉर्म में वेरिएबल इन्वॉल्व रहता है तो फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। तो आपके लेवल पे मेरे ख्याल है यही काफ़ी होगा। तो इसका आंसर जो है वो स्क्वायर रूट ई या ई रेस पर 1/2
जो कि सी ऑप्शन लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन माइनस वन ओवर एन रेस पार एन बाई टू, आप उसी मेथड के से ई लिखें और इसकी पावर में माइनस वन ओवर एन ये वाला नंबर और इसको एन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों कैंसिल होके ई रेस पार माइनस वन बाई टू जो कि एक कॉन्स्टेंट नंबर है, तो आपके पास आंसर वन और ई और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान मेथड है, जैसा आप इनको मल्टीप्लाई करके ई की पावर में लिख दें। लेकिन याद रहे यहाँ वेरिएबल ख़त्म हो जाए, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा तो फिर आंसर है, अगर साथ में वेरिएबल भी होगा तो फिर इसको और सॉल्व करने की ज़रूरत है।